अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल इमान। मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त क्रॉसओवर एसयूवी आई है, जो आजकल के हालात में पाकिस्तान में सबसे सेल और रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पर जा रही है। फ्यूल एवरेज भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और इसने बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो है वो मात दे दी है। और ये है जी हैवल H6 HEV 2023 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड और नंबर भी इस पर सिंगल डिजिट बड़ा VIP लगा हुआ है। माइलेज इसकी जस्ट 33,000 किलोमीटर्स है। कलर कम्बिनेशन भी बड़ा खूबसूरत है। कंप्लीट इसके रिव्यू की तरफ चलते, उससे पहले आप दोस्त जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। और चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, हैवल H6 HEV हाइब्रिड 2023 मॉडल, 1.5 CC हाइब्रिड, और ये मुकम्मल एक जीप है जिस जो बहुत सी गाड़ियों को इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टक्कर दी हुई है। और ये इस 1500 CC हाइब्रिड का मैं आपको फ्रंट दिखाऊं तो इतना एग्रेसिव और इतना ह्यूज फ्रंट है, शायद ही फॉर्चूनर का या प्राडो का आपको इतना एग्रेसिव लगे। आपको इसकी मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रंट रडार मिलता है, वीडियो कैमरा मिलता है, ऑटो रेन सेंसर स्क्रीन वाइपर है इसमें, बॉनट आप इसका देखें, ह्यूज बॉनट है जिसके अंदर आपको ये कर्व दोनों साइडों पे मिलते हैं। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, बल्कि इसमें सारी ही ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। इसकी कंपनी जो इसको ऑन कर रही है वो GMW है। और आपको मैं इसकी शो ग्रिल दिखाऊँ, मेरे ख्याल से अगर इस तरह के जो ब्रांड आने स्टार्ट हुए थे तो उसमें सबसे पहला ये हैवल H6 था, जिसके अंदर आपको एक खूबसूरत गैलेक्सी शो ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे हैवल की बैजिंग भी मिल रही है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर करती है, फ्रंट पे आपको वीडियो कैमरा मिल रहा है, इसके बम्पर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और इसकी जिस तरह ऊपर ग्रिल है उसी तरह नीचे भी आपको ये ग्रिल मिलती है, और नीचे आपको यहाँ पे क्रोम ट्रिम जो है वो कंटिन्यू करती मिलती है। बम्पर बोनट फ्रंट इसका बड़ा एग्रेसिव बड़ा ह्यूज है, और इसके अंदर ये भी आप देखें तो ये इसके बम्पर में ये पियानो ब्लैक की ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रही है, आउटर सारा इसमें ये बम्पर मैचिंग कलर के साथ है। अगर इसकी जूलियन हाइब्रिड में जाएं तो वहां पे इस पोर्शन के अंदर एक सेपरेट लाइट आ गई है जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अट्रैक्टिव है। और आप जब उसको स्टार्ट करते हैं या लॉक अनलॉक करते हैं तो वो यहाँ से ये दोनों साइडों से आपको वो लाइट जो वेलकम करती है। इसमें आपको डे रनिंग लाइट, LED लाइट, और इसके आप लैंप देख सकते हैं, बड़े यूनिक स्टाइल के जो सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आए हैं। और इसमें आपको LED प्रीमियम विजन के ब्रांड में मिलते हैं, ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स हैं, और व्यूअर्स नीचे आपको फोग लैंप मिलते हैं, वो भी आपको LED में मिलते हैं। फोग लैंप के ऊपर यहाँ पर ये क्रोम ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, और साइडों पर आप देखें हार्ड प्लास्टिक में ग्रिल कंटिन्यू कर रही है, और इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और फ्रंट रडार भी मिलता है। बड़ा एग्रेसिव बड़ा ह्यूज फ्रंट है, पूरा एक ये जीप है, कंप्लीट जीप है, कोई इसमें शक नहीं और कोई दो राय नहीं है कि आप इसको बोले कि क्रॉसओवर SUV, ये सबका बाप है। और उसके बाद ये हाइब्रिड इंजन 1500 CC, जिसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत आला है, इसका शाफ्ट कर्व जो है वो एंड तक कंटिन्यू कर रहा है। और आपको मैं फेंडर और डोर के ऊपर दिखाऊं तो ये हैवल के अंदर यहाँ पे भी ये क्रोम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, हार्ड प्लास्टिक में गार्निश जो सारी तरफ कंटिन्यू कर रही है, SUV में आपको पता ही आती है। और उसके बाद आपको इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसके अंदर हैवल की बैजिंग मेंशन है, और हैंकॉक कोरियन टायर आपको इसमें मिलते हैं। और टायर साइज भी मैं आपको व्यूअर्स बताता चलूं, इस 225/55R19 आप प्राडो में चले जाएं, क्रूजर में चले जाएं, फॉर्चूनर में भी आपको 19 का टायर नहीं मिलता। इसमें लैंड क्रूजर ZX में आप जाएं तो उसमें आपको 19 का टायर मिल जाता है, और जो आपको हैवल के अंदर भी 19 इंच का टायर मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस किसी आम गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। आप जूलियन हाइब्रिड में चले जाएं, आप क्रॉसओवर जितनी हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं ये सारी उन गाड़ियों को, सारी गाड़ियों से अब ये गाड़ी है, सेल रीसेल इसकी इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप पे है। साइड व्यू मिरर्स आपको मैं दिखाऊँ तो आपको ये कवर जो है मैचिंग बॉडी कलर के साथ मिलता है, साइड इंडिकेटर्स आपको LED मिलते हैं, नीचे वाला पोर्शन पियानो ब्लैक में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कैमरा मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 360 डिग्री
कैमरा मिलता है और आपको मैं पीछे होकर इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। आप ये देखें, कंप्लीट ये एसयूवी है और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट्स भी मिरर के अंदर मिलते हैं और साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके प्रिंटेड इन्होंने करवाए हुए हैं। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलते हैं। डोर ग्लास के सराउंडिंग में आपको चारों तरफ वेदर स्ट्रिप जो क्रोम के अंदर कंटिन्यू कर रही है वो आपको मिलती है, रूफ रेल आपको मिलती है और ये एसयूवी आपको पैनोरामिक रूफ देती है, वो भी अच्छा खासा ह्यूज साइज में। डोर लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलती है। अगर मैं इनको लॉक करूं तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। इसके क्वार्टर ग्लास ह्यूज साइज में है और आपको मैं इसकी बैग दिखाऊं, ये गाड़ी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसकी बैग भी बड़ी बल्कि बड़ी ह्यूज और बड़ी एग्रेसिव है। ऊपर आपको शार्क एंटीना मिल जाता है, इसका खूबसूरत स्पोर्ट्स पार्लर मिलता है जो हाफ बॉडी कलर के साथ मैच मिलता है और ये वाला पोर्शन आपको पियानो ब्लैक में मिलता है जिसके ऊपर और नीचे आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है। स्क्रीन भी इसकी आफ्टर मार्केट प्रिंटेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है और इसकी टेल लाइट एलईडी के साथ है और उसमें जो सबसे मेरा फेवरेट पार्ट कि वो आपको ये एंड टू एंड ट्रंक के अंदर डिग्गी बार लाइट मिलती है जो सिर्फ हैवल में आई थी, उसके बाद अब बहुत सी गाड़ियों में आना स्टार्ट होगी। उस ट्रंक के ऊपर आपको हैवल की खूबसूरत बैजिंग मिलती है, डिग्गी गार्निश आपको मैं दिखाऊं वो क्रोम के अंदर आपको मिलती है। इस साइड पे आपको GMW की बैजिंग मिलती है, इस साइड पे आपको H6 HEV की बैजिंग मिल जाती है। साइडों पे रिफ्लेक्टर मिलते हैं, बैक बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नीचे आपको लाइट मिलती है और आप इसकी देखें तो बम्पर की नीचे वाला जो गार्निश है ब्लैक में वो एक स्पोर्टी लुक आपको दे रहा है। कुछ इसमें एक दो चीज़ें वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक लगा। लेफ्ट प्रोफाइल भी देखेंगे, कंप्लीट ओरिजिनल और सर्विस हिस्ट्री के साथ टोटली मेंटेन है। मां सिवाय इस फेंडर के ऊपर ये माइनस है, एक दो स्क्रैचेस है जो इस पूरी गाड़ी के ऊपर है। अदरवाइज ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, सिंगल डिजिट नंबर और वेरी लो माइलेज है, 33,000 किलोमीटर चलते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्टअप भी देखते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा रूम के अंदर क्या क्या है। वेलकम ये यूं करती है खूबसूरत, आपको ट्रैप के अंदर भी हैवल की बैजिंग आ जाती है। तो इसकी लाइटें भी बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, ये आपको नीचे फोग लैंप देख सकते हैं, एलईडी मिल रहे हैं, लाइटें आपकी एलईडी हैं और जो इसके इंडिकेटर हैं वो मुझे थोड़ा सा ये लावा लाइट टाइप लगते हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये लाइनिंग जो है बड़ी खूबसूरत लग रही है। आपको मिरर के अंदर भी टर्न लाइट मिलती है और इसकी मैं टेल लाइट्स आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये रात के टाइम और भी खूबसूरत लगेगी। हैवल जूलियन में भी आ गई, इसमें आपको पता है कि अब हैवल जूलियन में भी इन्होंने हाइब्रिड इंजन दे दी है और पहले उसमें पेट्रोल था, अभी भी पेट्रोल है। रूम आपको मैं दिखाऊं तो इसका रूम कलर कम्बिनेशन भी बड़ा खूबसूरत है। व्यूवर्स आपको इसके अंदर ये डोर पोशिश आप देखें तो इसका डोर साइज भी अगर आप देखें तो बड़ा ह्यूज है, बहुत अच्छे साइज में आपको मिलता है। लेदर डोर पोशिश है जिसमें आपको स्टिचिंग में दिखाऊं तो ये आप लेदर की स्ट्रेच देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की हुई भी है। यहाँ पे आपको सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू करता है। स्पीकर जिसमें चार आते हैं, ट्वीटर्स भी आते हैं, ये आपको ट्वीटर्स मिल रहे हैं, स्पीकर इसमें यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये आपको रेड ब्रोनो जिसको आप कहते हैं वो लेदर मिलता है। और आपको मैं दिखाऊँ ये पोर्शन इसका हार्ड प्लास्टिक में, बाकी सारी डोर पोर्शन जो है वो लेदर में है। नीचे वाला पोर्शन भी आप देखेंगे तो वो भी हार्ड प्लास्टिक में है। पियानो ब्लैक ये कंटिन्यू कर रहा है, फोर डोर ग्लास आपके सिंगल टैप के साथ ऑटो, उसके बाद आपके साइड में मिरर्स की सेटिंग, लॉक अनलॉक की सेटिंग, कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। और आपको मैं इस साइड पे लिए चलूँ तो यहाँ पे आपको हैवल की बैजिंग मिल जाती है, हैवल के फ्लोर मैट मिलते हैं और इन्होंने व्यूअर्स बड़ा खूबसूरत किस्म का आपका ये इस कार का कंप्लीट फ्लोर मैटिंग जो वो लेदर पोशिश में करवाई हुई है जिससे आपके कारपेट की जो है वो लाइफ भी बढ़ जाती है। रूम के देखें तो इसकी खूबसूरत ये सीट्स हैं जो आपको ब्रोनो रूम में मिलती हैं, सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिल जाते हैं और आपको ये लेदर इलेक्ट्रिक वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं। इसमें इतनी बड़ी जीप बनाने के बाद इसमें आपको मेमोरी सीट भी देनी चाहिए थी जो कि मुझे लगता कि होनी ज़रूरी थी, लेकिन ये भी शुक्र है कि इन्होंने दी है, अदरवाइज़ ये भी ना होती तो आप कर कुछ भी नहीं सकते थे। बाकी आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाऊँ तो इसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन है। लेदर स्टीयरिंग व्हील और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सारा सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। आपको बोस साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, ब्लूटूथ की ऑप्शन मिलती है। देन इसमें आपको क्रूज़ का स्विच इस साइड पे आ जाता है और आपकी जो है वो इंडिकेटर स्विच भी आपका इस साइड पे, वाइपर स्विचेस आपका इस साइड पे आ जाता है।
इस साइड पे आपको मैं दिखाऊं तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलती है, टॉल की सेटिंग मिल जाती है, पावर ट्रंक आपको मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलता है, इसमें आप छोटा अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। देन आपका जो है वो लेदर स्टिच के साथ स्टीयरिंग व्हील है, और इसकी एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैनुअल स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर को भी कर सकते हैं, और ऊपर नीचे भी जहाँ पे आपको सूट करता हो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आपको मैं इसका दिखाऊं तो कंप्लीट इसका लेदर के साथ जो है वो इंटीरियर है। एसी वेंट आप देखें तो आपको फ्रंट पे चार वेंट्स मिलते हैं, और उसके नीचे आप देखें तो सिल्वर एल्यूमिनियम पूरे पैनल के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। थ्री लेयर्स में आपको इसमें जो है वो डैशबोर्ड मिलता है। आपको मैं इसका जो है वो क्लस्टर दिखाऊं तो यार ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये बनाया, बड़ा डिजिटल है, और पूरा आप ये देखें वर्ल्ड भी इसमें दिख रहा है। और देन आपको यहाँ पे पावर की लाइट भी मिल रही है, और ये 33,000 किलोमीटर कार ड्रिवन है। और एवरेज की बात अगर आप करें तो यार इसकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। देन व्यूअर्स इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है, और आप इसका देखें तो ये डिज़ाइन भी बड़ा इसका खूबसूरत है। लेदर के साथ आपको ऊपर डैशबोर्ड पैनल मिलता है। एयरबैग में आपको दिखाऊं तो फ्रंट पे आपको चार मिलते हैं, दो सीट्स के अंदर और दो आपके डैशबोर्ड के अंदर। हैवल की यहाँ पे भी आपको बैजिंग मिलती है, और इसके अंदर आपके सारे रडार की, पार्किंग सेंसर्स की, ब्लाइंड स्पॉट्स की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ से इसकी जो है वो सेटिंग्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसकी एवरेज भी दिखाता चलूँ। इसमें टायर प्रेशर भी आपका 1:1 आएगा, और अभी आप देखें कि इसमें इतना फ्यूल और ये 175 किलोमीटर इसकी रेंज है। रेंज की बात करें तो मेरे बड़े अच्छे भाई तो उसको मैंने ये गाड़ी खरीद के दी थी, वो अभी तक चला रहा है माशाल्लाह। उसकी गाड़ी 50-60 हज़ार किलोमीटर चली भी है, चल गई भी, और उसके कमेंट्स हैं कि भाई मैं इससे बड़ा सेटिस्फाई हूँ, मुझे ये एवरेज 18 से 20 की देती है। तो इतनी बड़ी गाड़ी आप प्राडो में चल जाए, क्रूजर में चल जाए, बड़ी भी खींच लेंगे तो 11-12 की एवरेज आपको मिलेगी। तो ये HEV HX 1.5 CC हैवल जो पेट्रोल एवरेज में किंग है, तो आपको ये 20 की एवरेज मिलती है, बहुत ज़बरदस्त, जिसके अंदर लॉट ऑफ फीचर्स हैं। हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल रहा है, और ये आप टैब देखें तो ये भी अच्छा खासे साइज में है। आपका ये टैब जो है व्यूअर्स में आपको बताऊं तो सिंगल टच के साथ है, और ये सारी सेटिंग्स आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं। आपका रेडियो है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाए, ब्लूटूथ सिस्टम सेटिंग, एप्पल कार प्ले, व्हीकल सेटिंग, पिक्चर्स, मल्टीमीडिया, सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये इसका बड़ा ही क्लियर विजन के साथ 360 डिग्री का रिजल्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सारे, आप इधर से भी अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो व्यूअर्स, यहाँ से भी अपने एसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन आपको इस साइड पे मिलती है, वायरलेस चार्जर इसमें आपको आ जाता है। और उसके बाद ये पैनल आप सारा देखें तो पियानो ब्लैक के अंदर है, इलेक्ट्रिक आपकी हैंड ब्रेक है, ये डायल जो है खूबसूरत ये इसमें आपको मिलता है, ये इसके गियर नॉब है, आप इसको जिस तरफ भी घुमाएंगे, अगर मेरे राइट साइड पे घुमाएंगे तो ड्राइव पे चली जाएगी, और इधर घुमाएंगे तो ये रिवर्स पे आ जाएगी। पार्किंग में जाना तो आपने इसको सिर्फ जस्ट टैप करना है, कप होल्डर आपको इसमें मिल जाता है, ये ट्रे मिल जाती है। और आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन जो है, जो मैंने आपको बताया था तीन लेयर्स में आ रहा है, ये वाला पोर्शन सारा आपको लेदर स्टिच में मिलता है। और ये वाली ट्रिम जो है वो ये आपको क्रोम के अंदर कंटिन्यू कर रही है, सिल्वर एल्यूमिनियम जिसको आप बोलते हो, ऊपर वाला लेदर के अंदर आपको मिलता है, और क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद व्यूअर्स मर्सिडीज वाली इसमें फील आपको आती है कि इसमें एम्बिएंट लाइट्स आपको मिल रही है। किसी भी क्रॉस ओवर एसयूवी में आप जो है उसमें चले जाएं, टूसोन में और स्पोर्टेज में, जिसमें भी आप चले जाएं, आपको एम्बिएंस लाइट नहीं मिलती। ये कार के अंदर आपको, इस एसयूवी के अंदर आपको एम्बिएंस लाइट भी मिलती हैं। और सेंटर आर्मरेस्ट में आपको बताऊँ तो ये अगर आप ओपन करें तो अच्छी खासी इसमें भी स्पेस है, लेदर स्टिच के साथ है, और ग्लोव बॉक्स इसका ये आ जाता है। और व्यूअर्स उसके बाद आपका बैक व्यू मिरर भी जो है वो भी ऑटो के साथ है। केबल लाइट्स में आपको दिखाऊं तो वो आपकी एलईडी के साथ आती हैं। ये वाले पोर्शन में आप अपने ग्लासेस को जो है वो रख सकते हैं। 180 मिरर आपको दोनों सन शेड के अंदर मिलता है विद SMD लाइट्स। और उसके बाद जो इसमें ज़बरदस्त चीज़ है वो है जी आपका ये पैनोरामिक रूफ। लेकिन इस इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर व्यूअर्स, ये मुझे बार बार इसको प्रेस करके रखना पड़ता है तो फिर ये ओपन होता है। ये सिंगल टच के साथ इसको होना चाहिए था कि ये जो है ऑफ होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, वो होनी ज़रूरी थी। सेंटर पिलर में भी आपको एयरबैग मिल रहे हैं। और लेग रूम की बात करूं तो यार ये ज़बरदस्त स्पेशियस जीप है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। ब्रोनो रूम इसके अंदर आपको बेज भी मिलता है, और ये ब्लैक भी मिलता है, और ब्रोनो भी आता है। बैक डोर पोशिश भी आप देखें तो ये आपको पोर्शन पियानो ब्लैक में मिल रहा है, क्रोम सिल्वर जो है वो ट्रिम कर रहा है, ट्विटर्स नीचे आपको यहाँ पे कप होल्ड वो मिल जाता है, सॉरी ये आपका ये कंपार्टमेंट मिलता है, ये आपको स्पीकर मिल जाता है, ये आपको ट्रे मिलती है, और ये आपका
लेदर पोर्शन, रूम की तरफ आ जाए, बैक केबिन में 3 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे भी एयरबैग मिल रहे हैं, क्वार्टर ग्लास आप देख सकते हैं, और अगर इन सीटों को आप बेंड करना चाहें ट्रंक की स्पेस ज़्यादा यूज करने के लिए तो यूँ आप बेंड इनको कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इस सीट के अंदर आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर, इसको अगर उठा दें तो यार ये बड़ी स्पेशियस है और इसमें 3 बंदे बड़ा इजीली बैठ सकते हैं। हेडरूम अगर आपको मैं दिखाऊं तो अच्छा खासा इसका हेडरूम है, और लेग रूम भी देखें तो वो भी ज़बरदस्त है। बैग पे आपको 100 पॉकेट मिलती हैं, बैग पैसेंजर के लिए भी AC वेंट मिलते हैं, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि वो अडॉप्टर वाला सीन ही ख़त्म हो गया, आपको ये पोर्ट मिलती हैं जिससे आप अपनी फ़ोन को या किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें ज़बरदस्त फीचर ये है कि यहाँ से भी आप अपनी इस पैसेंजर सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं अगर आपको लेग की तंगी हो रही है तो। केबल लाइट आपको यहाँ पे भी मिलती है सेपरेट, पूरी एक ये ज़बरदस्त और स्पेशियस जीप है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई जोड़ नहीं है। सेंटर में आपका अगर 3 पैसेंजर बैठते हैं तो ये आप देख सकते हैं, लेग रूम आप देखें यहाँ पे भी ज़बरदस्त है, और हेडरूम भी अच्छी खासी है। बड़ा बंदा या मोटा बंदा, जिस तरह का मर्दी जो है वो इसके अंदर आराम से जो है बैठ सकता है। तो इस SUV में आपको लेग रूम का भी कोई मसला नहीं है। ट्रंक का आपको ऑटो ये बटन आता है, और ट्रंक की स्पेस आप देख सकते हैं स्पेशियस है। ये आपके लगेज का कवर है, आप लगेज रखें और इस कवर को यूं आप अपने लगेज को पैक कर लें, और अगर आप इसको बंद करना चाहें तो व्यूअर्स इसको भी आप हटा सकते हो, ये सीटें बंद हो जाएं तो इसकी स्पेस और ज़बरदस्त हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये बैटरी मिल जाती है, ये इसमें एयर पम्प मिलता है, और इसकी सारी टूल किट, इसके नीचे कोई आपको वो स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर व्यूअर्स आपको स्पेयर व्हील आना चाहिए था, नीचे फिट हो जाता, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आया। ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी। एक, इसमें मेमोरी सीट्स आनी चाहिए थी, और दूसरा, इसके अंदर इतनी बड़ी जीप में स्पेयर व्हील होना ज़रूरी था। लेकिन आपको पता है कि रन फ्लैट टायर आ रहे हैं तो ये पंक्चर कम ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी सबको अपनी हिफाजत में रखे। और उसके ऊपर ये आपको मैं दिखाऊँ तो ये भी इन्होंने टेप्स लगवाई हुई हैं जिससे आपके ये पैनल प्लास्टिक के जो है वो बचे रहते हैं। ये स्पेशियस जीप, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इस प्राइस पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर्च्यूनर लेने से बेहतर है कि आप ये ले। नीचे आपको यहाँ पे भी ये ट्रे मिल रही है, दोनों साइडों पे आपको USB पोर्ट मिल रही है जिससे आप अपनी फ़ोन को या किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। आपकी पैसेंजर सीट मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, और इस साइड से ये भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अपनी सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको इसका इंजन दिखाता हूँ कि इसका 1500 cc का इंजन क्या है। हाँ, अब बात करें इसके इंजन की तो बहुत से दोस्त भी कहेंगे, और ये चीज़ डे फर्स्ट मेरे माइंड में भी आई थी कि यार इतनी बड़ी ये जीप बनाई है इन्होंने और इसके अंदर सिर्फ 1500 cc इंजन, एटलीस्ट 2 लीटर इसके अंदर इंजन होना ज़रूरी था। लेकिन इसका टॉर्क इतना ज़बरदस्त है और इसकी ड्राइव इतनी हल है, 1500 cc इंजन भी बहुत है, क्योंकि इन्होंने इसकी पिक को जो है वो बढ़ा दी है, BHP हॉर्स पावर जो है इसकी ज़्यादा है। अब यही 1500 cc हाइब्रिड इंजन जो है वो आपकी जूलियन में भी आया, लेकिन जूलियन के अंदर सिर्फ एक मसला ये है कि लोगों ने उस गाड़ी को पसंद नहीं किया। अब वो 0 मीटर गाड़ी इनवाई से नीचे भी बिक रही है, और अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो व्यूवर्स इस टाइम मार्केट में आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि प्राइसेस जो है वो इनवाइस से भी नीचे बिक रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसा डीवैल्यू हो रहा है और प्रोडक्शन जो है वो धड़ाधड़ यूनिट आ रहे हैं, आगे ख़रीदार कोई नहीं है, जिस वजह से लोग इनवाइस से भी नीचे गाड़ियां बेचने के लिए तैयार हैं। मगर बात अगर हम इस गाड़ी की करें तो इसकी डिमांड जो है वो 1,15,00,000 रुपया है। 2023 मॉडल की हैवल H6 HEV 1500 cc हाइब्रिड, 33,000 किलोमीटर चली हुई, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, सिंगल डिजिट नंबर लगा हुआ, टोटल ओरिजिनल गाड़ी है, सिर्फ एक फेंडर पे 2 माइनर से स्क्रैचेस हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हो और इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।